अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इंदौर में मुख्य कार्यक्रम महेश गार्डलाइन स्थित एपीटीसी मैदान पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक सुदर्शन गुप्ता, उषा ठाकुर, कमिश्नर राघवेंद्र सिंह, कलेक्टर निशांत वरवड़े सहित अन्य अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों के साथ ही नागरिकों ने भी हिस्सा लिया। यदि हम आसन और प्राणायाम का नियमित अभ्यास। योग दिवस पर इंदौर के देवी अहिल्या विमानतल पर भी अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग करते हुए देश को संदेश दिया। यहां एयरपोर्ट निदेशक ने अपनी टीम के साथ योग किया। करना है पूरा कमर तक का भाग ऊपर उठाना है, पैरों को पीछे से फैलाना नहीं है, ठीक है। थोड़ा हाथों को शोल्डर लेवल में रखिए, धीरे धीरे चेस्ट इसी तरह योग दिवस के मौके पर निजी संस्थानों ने भी अपने कर्मचारियों से सामूहिक योग करवाया। इसी कड़ी में विभिन्न अस्पतालों में भी योग दिवस के कार्यक्रम हुए, जहां चिकित्सकों के साथ साथ नर्स और अन्य स्टाफ के साथियों ने भी योग किया। योग दिवस पर समाज को स्वास्थ्य का संदेश देते हुए अधिकारियों ने लोगों से इसे अपने जीवन में उतारने की अपील की। मैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इंदौर संभाग के सभी नागरिकों को बधाई दूंगा। पूरे देश की तरफ से जो ये प्रयास हुआ है और विश्व स्तर पे हमारे इस प्रयास को सराहना मिली है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जा रहा है, बहुत ही शानदार अनुभव रहा है। धीरे धीरे मैं भी मैंने सीखने की कोशिश की और मुझे अच्छा लगा है। मैं कोशिश करूंगा कि इस क्रम को नियमित बनाए रखूं। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि पिछले 4 वर्षों से लगातार सरकार के द्वारा निर्देशित किया जा रहा है कि योगा को हम अपने जीवन में आत्मसात करें और योगा से जो मेंटल पीस और साथ साथ में जो फिजिकल फिटनेस आती है उसके बारे में कभी भी कहीं भी किसी को कोई डाउट नहीं रहा है और यह लोक हित में उठाया गया कदम है, जिसके तहत में आज हम लोगों ने चौथी मर्तबा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यहाँ पर सेलिब्रेट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहर में भी बच्चे, बूढ़े और युवा सभी योग करते नजर आए। सूर्योदय के साथ ही सूर्य नमस्कार से शुरू हुआ योग दिन की शुरुआत तक चलता रहा। इसी कड़ी में एक निजी होटल में भी आर्ट ऑफ लिविंग के बैनर तले योग किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।